नंबर फर्स्ट, अमेरिका में 100 से ज्यादा डेड बॉडी को नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा गया है। डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के पीछे का कारण यह है कि इन वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में ऐसी तकनीकी विकसित हो जाएगी जिसे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है, और इसी उम्मीद पे करोड़ों रुपए खर्च करके लोग अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखवा रहे हैं। नंबर सेकंड, 1965 में रोजर लाउजर नाम का एक 9 साल का बच्चा पानी में डूब रहा था, तभी उस बच्चे पर एलिस ब्लेस नाम के एक व्यक्ति की नजर पड़ती है। एलिस ने उस बच्चे को डूबने से बचा लिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस घटना के 9 साल के बाद जब बच्चे की उम्र लगभग 13 साल थी, तब इस बच्चे ने उसी बीच पर एक शख्स को डूबने से बचाया। इस बच्चे ने जिस व्यक्ति को डूबने से बचाया वो कोई और नहीं बल्कि एलिस था, जिसने उसे 9 साल पहले डूबने से बचाया था। नंबर थर्ड, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ऑस्ट्रेलिया के मेनबर्न के एक अस्पताल में एक और सर्जरी के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं और 4 से 5 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं व्हील चेयर पर आ जाऊंगा। यही कारण है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कहे जाने वाले शोएब अख्तर पसेंजर ट्रेन बन गए। नंबर फोर, तुर्कमेनिस्तान के इस्काबाद शहर में यदि आप काली रंग की कार को वहां की रोडों पर चलाते हो तो आपको 10 लाख रुपए फाइन भी भरना पड़ेगा, और तो और आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। नंबर फिफ्थ, लाल सिंह चड्ढा मूवी 11 अगस्त को रिलीज हो रही है, लेकिन इस मूवी को लेकर इंटरनेट पर बहुत सा बवाल चल रहा है। आप भी देख रहे हो कितना ज्यादा बवाल चल रहा है, पर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, कुछ लोगों का कहना है कि एक बार आमिर ने कहा था कि वो लोग इंडिया में सेफ नहीं है, फिर भी इस मूवी को इंडिया में ही रिलीज क्यों कर रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि आमिर ने पीके फिल्म में हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा अपमान किया था, इसी वजह से सभी लोग गुस्से में और लाल सिंह चड्ढा बायकॉट का नारा लगा रहे हैं। आप किस पर राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।